भाइयों बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया से जीत कर न सिर्फ पिछले साल का अपना बदला लिया बल्कि अपने भाइयों का हिंदुस्तान का भी बदला लिया है ऑस्ट्रेलिया से। Everyone they were supporting Afghanistan. हर विकेट पे they were cheering. Wow. देखो पाकिस्तानियों, सीखो पाकिस्तानियों, वो मुल्क जिसके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का नामो निशान नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, जंग ज्यादा वो मुल्क है, महाजर उनके लोग बने हुए। आज अफगानिस्तान ने ऐसा धूल चटाया है कि पूरी जिंदगी ये लोग याद रखेंगे कि बदतमीजी का नतीजा और गवर्नमेंट का सर हमेशा नीचे होता। क्या कुछ नहीं बोलते पाकिस्तान से लोगों ने यार, क्या कुछ नहीं बोला हमारे लोगों ने, नमक हराम है, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। काबुल में, कंधार में, एवरीवेयर पीपल मस्ट बी एंजॉयिंग, दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग। अब अपने पड़ोस में जो शेर रहते हैं, जो टाइगर रहते हैं, हिंदुस्तान के शेरों और भारत के शेरों, छोड़ना मत ऑस्ट्रेलिया को। और ये बात कहने पे हमें मजबूर कर दिया है कि अफगानिस्तान इज बेटर टीम देन पाकिस्तान। राशिद, नवीन, फजलियाक फारूकी, नबी, गुरबाज, सब प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, ये आईपीएल का कमाल भी है यार। आइयो बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया से जीत कर न सिर्फ पिछले साल का अपना बदला लिया बल्कि अपने भाइयों का हिंदुस्तान का भी बदला लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और स्पेशली वो मुच्छड़ जो हिंदुस्तान के आगे खड़ा हुआ था, आज हमने उसको जीरो पे वापस लौट के भेजा है कि चल भाई तू सबसे पहले तू निकल। आज हमने ऐसी कुटाई कर दी ऑस्ट्रेलिया की कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया वाले। देखे दोस्तों, आधा काम हमने कर दिया है, हमने अपना और आपका बदला दोनों ले लिया है। अब आप लोगों को पहलना है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना नहीं है, लेकिन हम जवाब जो है वो क्या बोलते हैं कि पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं या ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, उसी तरीके से जवाब दिए। आज ऑस्ट्रेलिया को हमने पूरा घुसा दिया है भाई। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सेमीफाइनल में जाए ना जाए, हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, हमसे बांग्लादेश जीत जाए, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से ना भी जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उस बदतमीज टीम का सर आज झुका दिया है दोस्तों, जो दुनिया में अपने आप को किंग ऑफ क्रिकेट मानता था, जो कप जीतने के बाद उस पे पांव और टट्टे रख के गमन किया करता था, हमने आज उनको धूल चटा दी। हमने उस टीम को आज मारा है जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज कैंसिल करता है, कहता है हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, जाओ रे, तुम्हारी औकात है हमारे साथ खेलने की। तुम्हें लगता है तुम अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलोगे, अफगानिस्तान जीत नहीं पाएगी? अरे अफगानिस्तान ऐसा सूखा सूखा घुसाएगी तुम लोगों को। तुम्हें भी घुसाया, पाकिस्तान को भी घुसाया, इंग्लैंड को भी घुसाया, सबको, न्यूजीलैंड को भी घुसाया, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम तुम लोगों में से। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान से हार गई। भाई देखो, हम उन लोगों के साथ इस तरीके से नहीं खेलते हैं जो हम, हिंदुस्तान हमारी अपनी टीम है, लेकिन कोशिश हमारी टीम ने वहाँ भी की थी, लेकिन हिंदुस्तान स्ट्रांग है अफगानिस्तान की टीम से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की औकात नहीं है अफगानिस्तान के आगे खड़े होने की। और भाइयों, हिंदुस्तान के शेरों, छोड़ना मत ऑस्ट्रेलिया को, इस साल ऐसा बदला लेना कि हमने तो ठोक दिया, आप भी ठोक देना, ताकि इनको पूरी ज़िंदगी याद रहे कि जो लोग गमन करते हैं, जो लोग राह चलते हुए आसमानों को देखते हैं, उनको ऐसा चाटना पड़ता है जमीन। आज अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जदरान और गुलबदीन ने ऑस्ट्रेलिया को अपने जूते चटवाए हैं, चाटो हमारे जूते, तुम्हारी औकात हमारी जूतों के नीचे है। ऑस्ट्रेलिया क्या समझती है अपने आप को कि भाई एशिया में कोई टीम ऐसे नहीं मिलेगी इसकी टक्कर का? यार पिछले साल बड़ी किस्मत से जीते थे ये, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या अफगानिस्तान से हो, ये दुनिया में किसी भी टीम से जीत जाए, लेकिन ये जब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का सामना करते हैं, इनकी पटती है,
पटती है इनकी, और ये सीरीज भी अफगानिस्तान से इसी वजह से नहीं खेलते, इनको पता ही अफगानिस्तान पहले की हमें सीरीज में। इवन दे वर सपोर्टिंग अफगानिस्तान, हर विकेट पे दे वर चीयरिंग। वाओ, मुझे हमने सोचा कि भाई साहब हम अकेले नहीं है, ये तो सारे इकट्ठे सपोर्ट कर रहे हैं ये तो अफगानिस्तान को। तो वहां पे बहुत ही शुगल मेला लगा हुआ था, बड़ा लाजवाब, बेहतरीन, मजा आया। इंग्लैंड के कुछ कपल्स बैठे हुए थे, वो तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या हिसाब किताब है, तो वो तो वो चेयर कर रहे थे। देयर वर फ्यू इंडियन फैमिलीज, क्योंकि बड़ी तादाद में इंडिया के जो फैंस हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, और दे बिलीव कि ये वाला जो मैच है, जो टूर्नामेंट है, उनकी टीम जीतेगी। तो काफी ज्यादा इंडियन भी आए हुए हैं, और वेस्ट इंडीज वाले जो लोकल, वो भी, उनसे भी पूछा मैंने, वो जो ढाबे वाला था, कि किसको चाहते हैं, कौन जीते। तो अपने दादा बोल रहा है, वो सपोर्टिंग अफगानिस्तान मां, आई वांट अफगानिस्तान टू विन मां। ओके ओके, दैट्स नाइस, वी ऑल वांट अफगानिस्तान टू विन। एंड अफगानिस्तान ने फिर किया भी कमाल, और नवीन ने शुरू में ही जिस तरह बोल्ड किया, जनाब हेड साहब को कोई समझ नहीं आई, इनिंग की तीसरी गेंद थी, दे वर ऑल जंपिंग एंड एंजॉयिंग एंड चीयरिंग। इंडियन फैंस, पाकिस्तानी तो हम ही थे, मैं था और अली था, बाकी वो इंग्लैंड वाले और लोकल, काफी हर विकेट पे देवर सेलिब्रेटिंग, देवर चेयरिंग, वाह जी, मजा आ गया, माहौल आ गया। एक अगर तो वहां पे इंटरनेट का मसला ना होता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहीं से लाइव आता, जहां पे बैठा हुआ था उधर से लाइव आना था मैंने, बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ था। लेकिन चूंकि इंटरनेट इतना सॉलिड नहीं था कि वहां से लाइव आया जाता, तो इसलिए देन आई केम बैक होम, तो फिर अब यहां से लाइव आ रहा हूं। बहुत ही मजेदार नजारा था, माहौल अच्छा बना हुआ था। एनीवेज, तो अफगानिस्तान की टीम के लिए लोगों में भी सपोर्ट थी, और उनकी टीम डिजर्व भी करती है। सिर्फ वन मैच वंडर नहीं था वो न्यूजीलैंड वाला, अभी आप देख लीजिए न्यूजीलैंड का जो हाल किया, 75 पे उनको जिस तरह चलता किया, तो ये कोई बहुत मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात नहीं थी। अब उनकी टीम डिजर्व करती है अच्छा खेलना, अच्छा खेल के जीतना डिजर्व करती है। और आई वॉज सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस मोमेंट पे मिच मार्श ने टॉस जीत के कहा कि जनाब हम पहले बॉलिंग करेंगे और हम चेज करेंगे, तो चेज में अफगानिस्तान की तो स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, वो तो बॉलिंग में वो तो चाहते ही थे कि जनाब आप टॉस जीत के भी आपने वही फैसला कर लिया कि जिसका इंतजार था कि अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान, ये आपके लिए क्या कमाल का क्रिकेट खेला है, लेकिन गेंदबाजी जो हमेशा से ताकत रही है, अगर आप बतौर बल्लेबाजी टीम आप इन्हें थोड़े रन दे देंगे तो फिर ये गेंदबाजी और खतरनाक है, जिसमें राशिद, नवीन और मुजीब, ये सारे गेंदबाज इकट्ठा होकर कमाल का एक यूनिट बनता है। बहुत बहुत मुबारक, और सारे फैंस अफगानिस्तान के, खुशियां मनाओ यार, ये ही तो